चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यूपी ट्रिपल एसएससी के अंतर्गत यहां पे जो लोअर पीसीएस के डेमो क्लासेस में मैं हिस्ट्री के अंतर्गत आज आपसे पहले वीडियो के तहत बातचीत की जाएगी और इस बातचीत के माध्यम से आपको इतिहास विषय के उस चैप्टर पर प्रकाश डाला जाएगा जो आज तक लगभग लोगों के द्वारा सामान्यतः कठिनता का अनुभव किया जाता रहा। दोस्त, आज के वीडियो के माध्यम से आपको इस बात का जरूर अनुभव होगा कि इतिहास पढ़ना वास्तव में कितना आसान और कितना रुचिकर होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम कलर चश्मे लगाते हैं और मुझे दुनिया रंगीन दिखने लगती है, तो उस चश्मे के तौर पे हम आपको आज एक रंगीन दृष्टि देंगे जहां से आप काफ़ी एकदम उत्साहनुमा माहौल में एक क्रम के बाद एक इतिहास ऐसे पढ़ेंगे कि आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट ही बन जाएगा। चलिए बात करते हैं हम आपसे इतिहास विषय के अंतर्गत आज के इस वीडियो पर। साहब, आपको पता ही होगा कि इतिहास अर्थात इसके यदि भागों को बांटा जाए तो इसे चार भागों में बांटा जाता है और इतिहास को चार भागों में बांटने के क्रम में आप आसान शब्दों में सीधे तौर पे कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। साहब, आपके मन में आ रहा होगा फिर चौथा क्या है। आपको पता होगा कि आपसे पूछती है कि फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, तो ये जो क्रांतियां और विभिन्न प्रकार के ऐसे मुद्दे जो संलिप्त किए जाते हैं उसको हम विश्व के इतिहास के नाम से जानते हैं, जो कि सामान्यतः आपको बहुत कम पढ़ने को मिलता है, लेकिन एक दो प्रश्न वहां से आपसे जरूर लिए जाते हैं। तो इन सभी चार के चारों पार्टों को एक क्रमबद्ध सुनियोजित ढंग से इस तरह से लेकर के चला जाएगा कि आप एक बेहतर माहौल का अनुभव करेंगे और शिक्षण अधिगम की दृष्टि से आप पूर्णतः परिपक्वता की तरफ अपनी गति को प्रदान करेंगे। तो इन चारों पार्टों के अंतर्गत आज की हमारी परिचर्चा होगी मध्यकालीन इतिहास पर, अर्थात मध्यकालीन भारत पे आज हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपको यहाँ पे बता दें कि आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, तो सीधे तौर पे किताबों में आपको प्रश्न मिलेगा कि कहाँ से विदेशी या मध्यकाल में विदेशी भारत में किस प्रकार प्रवेश करते हैं और वहाँ से इतिहास को शुरू करके एक क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मध्यकाल की शुरुआत विदेशियों के आगमन से नहीं बल्कि किसी एक धर्म के उदय से होती है और यहाँ पे उस धर्म का अध्ययन किए बिना आगे बढ़ना पूर्णतः इतिहास का एक अधूरा, या ऐसे समझेंगे कि आपके मध्यकालीन इतिहास का एक अधूरा ज्ञान रह जाता है। यदि हम जितने भी वर्तमान समय में धर्मों की चर्चा है, यदि सभी धर्मों की आपसे बातचीत किया जाए, तो इसमें सबसे नवीन धर्म की यदि बात किया जाए तो साहब आपको भी पता और हमको भी पता है कि इस गणना में सर्वप्रथम नाम आता है इस्लाम धर्म का। तो चलिए हम आज आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करते हैं, इस्लाम धर्म किस प्रकार से उदय हुआ और किन किन गतिविधियों के माध्यम से उसने अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान इस धरा धरातल पर बनाया, जिसकी वजह से आज धर्म के मामले में एक महत्वपूर्ण स्थान इस समाज में, इस प्रकृति में अपना सजोया हुआ है। तो यहाँ पर आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम तक आज तक बने हैं इस्लाम धर्म को लेकर के, और आपको पता ही है प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए होंगे कि हर वर्ष एक से दो प्रश्न इस्लाम धर्म से जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो मेरा आपसे ये तो एकदम खुले दिल से वादा है कि इस वीडियो के बाद इस्लाम धर्म से बनने वाले प्रश्न आपके लिए आज से
चुटकी का खेल हो जाएंगे। तो आइए हम आपसे चर्चा करते हैं इस्लाम धर्म। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आज की हमारे वीडियो का जो फोकस है वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इस्लाम धर्म पे आज चर्चा की जाएगी। इस्लाम धर्म के अंतर्गत यहाँ पर आप जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देंगे कि इस्लाम धर्म को एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। देखिए, पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि इस्लाम धर्म में जो आप ऐसे समझें कि अल्लाह का जो अस्तित्व है उसके अंतर्गत यहाँ पे एकेश्वरवादी धर्म की गणना की मान्यता प्राप्त या प्रदान की गई है। तो साहब, आपने यहाँ पे ध्यान दिया इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म के अंतर्गत कि इसे एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। चलिए साहब, आते हैं इसके पॉइंट्स पे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस्लाम शब्द जो है वो अरबी भाषा से लिया गया एक शब्द है या अरबी भाषा का शब्द है, और प्रश्न बनता है कि इस्लाम का अर्थ क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न तो यहीं पे बन जाएगा कि इस्लाम किस भाषा का शब्द है। तो साहब, आप ध्यान देंगे कि इस्लाम शब्द अरबी भाषा का शब्द है। ठीक अगले क्रम में आपसे प्रश्न बनेगा कि इस्लाम का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान देंगे कि इस्लाम का धर्म है, धर्म का अर्थ है पवित्रता। यदि इस पवित्रता को और आगे डिफाइन किया जाए तो सीधे तौर पे एक शब्दों में आप कह देंगे कि शांति में प्रवेश करना। तो साहब, हमने पहली लाइन के तहत जाना कि इस्लाम शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ क्या है, पवित्रता। और भी अधिक यदि बात किया जाए तो आप कह सकते हैं कि शांति में प्रवेश। नेक्स्ट, यदि यहां पे क्रम की बात किया जाए तो आगे ध्यान देंगे कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को साहब मुसलमान के नाम से जाना जाता है। तो फिर प्रश्न बनता है यहीं पे कि मुसलमान कौन है। तो सीधे तौर पे आप यहां पे लिखा हुआ है कि मुसलमान वह है जिसका मुसल्लम ईमान हो। मुसल्लम ईमान से सीधे तौर पे तात्पर्य होता है कि जिसका ईमान क्या हो, पुख्ता हो। तो यहां पे आपने इस बात पर ध्यान दिया कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है, और वास्तव में मुसलमान कौन है, जिसका ईमान या जिसके का व्यवहार पुख्ता हो। नेक्स्ट क्रम पे आते हैं तो यहां पर अब ध्यान देंगे कि अब हम आपसे बातचीत करेंगे कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के बारे में कि किस तरह से इस्लाम धर्म इस धरा धरातल पर जन्म लिया। तो आपको यहां पर बता दें कि आप ध्यान देंगे कि उस समय की बात हो रही है, मध्यकालीन समय की बात हो रही है, कि उस समय में अरब क्षेत्र में कुरैश कबीले के हाशमी वंश में एक व्यक्ति मुहम्मद साहब का जन्म हुआ, और जन्म के पश्चात जब मुहम्मद साहब इस उम्र के हुए कि वे चीजों को समझने जानने और उसके बारे में विभिन्न प्रकार का तर्क करने लगे, तो उन्होंने पाया कि अरब के क्षेत्र में मूर्ति पूजा और विभिन्न प्रकार के आडंबर और इस तरीके के क्रियाकलापों की बहुत ज़्यादा बहुलता और व्यापकता थी, जो कि व्यक्ति को व्यक्ति या मानवीयता के मार्ग से गुमराह कर रहे थे, और विभिन्न प्रकार के ऐसे कृत्य हो रहे थे जिसके माध्यम से यहाँ पर अराजकता जैसा माहौल बना हुआ था। तो यहाँ पे हाशमी वंश में मुहम्मद साहब ने जन्म लिया, और इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। यदि नेक्स्ट क्रम की यहां पे बात किया जाए तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि इनकी माता का नाम था अमीना और इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला।
इनकी माता का नाम था अमीना और इनके पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। तो साहब यहाँ पर ध्यान देंगे कि मुहम्मद साहब का जीवन काफ़ी संघर्षों के दौर से गुजरा। यहाँ पे जो आपने इस बात को जाना कि इनकी माता का नाम अमीना है और पिता का नाम अब्दुल्ला है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि इनके जन्म के समय या 5 वर्षों के आसपास इनकी माता की मृत्यु हो गई और ठीक उसके कुछ ही दिनों बाद इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। और मुहम्मद साहब को अपने जीवन यापन के लिए अपने चाचा के ऊपर निर्भर रहना पड़ा और इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। साहब ध्यान देंगे कि इनके चाचा का क्या नाम था? अबू तालिब था। इत्तेफाक की ही बात थी कि इनके कुछ दिनों के पश्चात चाचा की भी मृत्यु हो गई और इसके बाद इनका जो पालन पोषण था वो इनके दादा अल मुतल्लिब ने किया। किसने किया? अल मुतल्लिब ने किया। तो यहां पर आप साहब ध्यान देंगे कि जन्म के पश्चात ही लगातार, जैसे इनके माता पिता की मृत्यु हुई, चाचा की मृत्यु हुई, फिर दादा के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ, तो इनके जीवन जीने के क्रम में विभिन्न प्रकार के ऐसे परिस्थितियां खड़ी हुई जिसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि इनके शुरुआती दिनों के जीवन ही काफ़ी संघर्षमय बीते। अब इनके दादा, अब चूंकि दादा के आधार पे आप समझ ही सकते होंगे कि दादा का भी साथ कुछ ही दिनों का रहा, इसके बाद पुनः इनके लिए संघर्ष की स्थिति प्रारंभ हुई। जीवन यापन ये किसी तरीके से चल रहा था, इसी दरमियान इनकी मुलाकात एक धनी विधवा महिला से होती है और जिसका नाम था खदीजा, और खदीजा से इनके मुलाकात के पश्चात वह एक व्यापारी थी खदीजा, और उसके साथ इन्हें व्यापार करने का अवसर मिला और इस व्यापार करने के क्रम में इन्होंने व्यापार के क्रम में अपनी स्थिति को सुधारने का मौका मिला और जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों के पश्चात इन्होंने खदीजा से विवाह रचाया या इन्होंने खदीजा से शादी कर ली। अब इनके जो आर्थिक रूप से इनकी जो संघर्षमय दौर था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया और अब आपको ये पता ही होगा कि जब किसी भी व्यक्ति की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं पूर्ण होती है, तब व्यक्ति इन चीज़ों से ऊपर उठ करके अब फिर वह आत्मगौरव, सम्मान, देश, समाज के हित की बात सोचने का कार्य करता है। तब यहाँ पर इनको इस मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और इस प्रकार की कुरीतियों के प्रति एक प्रकार से ऐसे इनके मन के अंदर भाव पैदा हुए कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानवीयता के मार्ग से भटका रहे हैं। और इस क्रम में उन्होंने क्या किया कि इनका मन विचलित हुआ और ये इस अरब के उस मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी इलाके में और हीरा नामक जो पहाड़ी में गुफा था यहाँ पर ये चले गए और 15 वर्षों तक इन्होंने चिंतन और मनन किया और ये यहाँ से अपने बौद्धिकता के ज्ञान को प्राप्त करने में लीन रहे और अंततः उनको 15 वर्षों के पश्चात जिब्राइल, ध्यान देंगे यहाँ पर कि 610 ईस्वी में जिब्राइल कौन था? जिब्राइल एक दूत का नाम था जो कि अल्लाह का संदेश मुहम्मद साहब तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को, अर्थात अल्लाह और मुहम्मद साहब के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने वाले व्यक्ति को दूत का संबोधन दिया गया और इस दूत का नाम था जिब्राइल। तो साहब 610 ईस्वी में जिब्राइल नामक दूत के माध्यम से इन्हें अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ और उस संदेश के माध्यम से इन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि ये मूर्ति पूजा, आडंबर, बहुदेववाद इत्यादि चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे व्यक्ति को मानवता के मार्ग से भटकाने वाली चीज़ें हैं। तब इनको इस बात का एहसास हुआ कि अल्लाह जो कि एक है और वही सबका क्या है? रक्षक है।
और यहाँ पे इन्होंने इस बात को प्रसारित करने का प्रयास किया कि हमें अल्लाह के द्वारा जिब्राइल नामक दूत के माध्यम से संदेश प्राप्त हुआ कि आपका जन्म अल्लाह का प्रचार प्रसार करने और उनके संदेश को जन जन तक पहुँचाने और जन जन की को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से निकाल करके उनको एक बौद्धिकता के क्रम में आगे बढ़ाना है। और इसी आधार पर जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये क्या कहलाए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद मुहम्मद साहब को किस नाम से जाना गया? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अरबी भाषा का शब्द है नबी, नबी का अर्थ से तात्पर्य होता है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, तो यहाँ पर मुहम्मद साहब क्या कहलाए, नबी कहलाए। आइए नेक्स्ट टर्म में हम आपसे देखते हैं कि इस्लाम धर्म में और क्या विशेष था। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपको बता दें कि जब मुहम्मद साहब उस पहाड़ी से उतर करके ये जब मैदानी भाग में आए और वे ये बताने का प्रयास किए कि मूर्ति पूजा और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें एक आडंबर हैं और इसके द्वारा व्यक्ति गुमराह किया जाता, तो साहब आपको पता ही होगा कि अब जैसे उस समय ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व था और ये ब्राह्मण वर्ग इस मूर्ति पूजा और कर्मकांड को बढ़ावा दे रहे थे, तो जब किसी की रोजी रोटी छिनती है तो व्यक्ति किसी हद पर उतर आता है और इसका सामना यहाँ पे मुहम्मद साहब को करना पड़ा। और जब उन्होंने इसे रोकने का प्रयास किया तो मुहम्मद साहब के ऊपर लगातार हमले शुरू हुए और इस हमले के क्रम में उनके ऊपर जानलेवा हमले भी हुए जिससे उनको अपने जान की भी रक्षा करनी पड़ी। और अंततः वो तंग आकर के वे उन्होंने क्या किया कि 16 जुलाई 622 ईस्वी को, वह दिन था शुक्रवार साहब, उस दिन वो मक्का से 300 किलोमीटर दूर कहां पर चले गए, मदीना चले गए। और इस जाने के दिन को इस्लाम धर्म में हिजरत के नाम से जाना गया और हिजरत अरबी भाषा के हिज्र शब्द से साहब बना हुआ है जिसको जुदाई या वियोग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसके पहले की पॉइंट पर कि खदीजा विश्व की प्रथम महिला थी जिसने इस्लाम धर्म को क्या किया था, आत्मसात किया हुआ था। एक ये टॉप मोस्ट प्रश्न बनता है कि विश्व की प्रथम महिला कौन थी जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया था, तो साहब वो इनकी पत्नी ही थी खदीजा जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया था। साहब जब ये यहाँ से मक्का से मदीना गए तो मदीना में जिन लोगों ने इनकी मदद किया उन्हें अंसार कहा गया और जो इनके साथ इनके गए थे उन एक मिनट यहाँ अंसार कहा गया और जो इनके साथ गए थे उनको मुजाहिर कहा गया। साहब उनको क्या कहा गया, मुजाहिर कहा गया। नेक्स्ट क्रम पे ध्यान देंगे कि इसके कुछ वर्ष बाद जब इनकी स्थिति ठीक ठाक हो गई तो ये फिर वापस लौट करके मक्का आए और इस्लाम धर्म का इन्होंने व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया और इसे इन्होंने स्थापित किया। 632 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया और इस्लाम धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो कुरान और हदीस, यहाँ पे दो इस्लाम धर्म के ग्रंथ है, में मिलता है। और इस्लाम धर्म में व्यक्ति के 5 पवित्र कर्तव्य बताए गए हैं जिसमें कलमा पढ़ना, कलमा पढ़ने से सीधे तौर पे तात्पर्य है कि इस्लाम धर्म का एक आस्था सूत्र है जिसको पढ़ने से व्यक्ति अपने अंदर की निहित कमियों को प्रदर्शित करता और उसे अल्लाह के द्वारा ऐसे समझें कि बेहतरी का एक मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे कि रोजा रखना, ये यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक प्रकार का व्रत होता है जिसका पालन इस्लाम धर्म में किया जाता है। नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने से तात्पर्य है कि एक मुसलमान को दिन में 5 वक्त का नमाज अदा किया जाना चाहिए। और हज, हज से तात्पर्य तीर्थ यात्रा से होता है। और नेक्स्ट क्रम में यहाँ पर ध्यान देंगे कि जकात है, जकात से तात्पर्य है कि यहाँ पे प्रत्येक मुसलमान को अपनी समस्त आय का 2.5% किसी गरीब मुसलमान को दान दिया जाना चाहिए। इनकी मृत्यु के बाद 4 खलीफा हुए, अबू बकर जो 632 से 634 रहे, उमर जो 634 से 644 रहे, उस्मान जो 644 से 656 हुए,
और अली जो 656 से 661 हुए। तो हमने यहाँ पे बात किया आपसे इस्लाम धर्म पे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्रमबद्ध ढंग से आगे बात की जाएगी। थैंक यू।